ट्रिपल तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर 2023 में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर अधिकारों का संरक्षण एक्ट 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन सुनवाई नवंबर में होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एक साथ 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाया था। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा है कि गैर इस्लामिक है, संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है। JTN न्यूज़ ब्यूरो।